लिखा है
चार दबंगों को देश के बहुत सारे हिस्से में 175 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वो उनके कब्जे में है। अगर वो भूमि के कब्जे छुड़ा दी जाए तो भरोसा रखिए कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा पूरे देश के अंदर, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो या स्वर्ण हो, कि जिसके पास 5 बीघे धरती ना हो, 5 बीघे जमीन ना हो। तो मैं वादा करता हूँ जब पहले में सरकार आएगी तो बीमार ये लागू कराने का काम करेगी कि प्रत्येक परिवार को 5 बीघे जमीन संघर्षों के समय में कमजोर जवानी पड़ती है और इतिहास उधर छुप जाता है, इस और जवानी झुकती है। देश के युवा को नजरअंदाज करने कोई राज्य में राजनीति कर सकता, न सामाजिक नीति कर सकता, न राज्य का भला कर सकता, तो देश के युवा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब साहब कैशराम ने कुछ कहा और मैं उन्हें आदर्श मानता हूं, तो मैं आप लोगों भी सार्वजनिक बिना सामाजिक एकता के राजनीतिक एकता वो पेड़ है, वो पौधा जो हल्के हवा के झोंके से गिर जाएगा। इसलिए मैं भावनाओं को जागरूक करने के लिए ये मकान सरकार को ग्रहण ना करते उन्हें तोड़ ना दे, इसलिए मैं हम लोग के बीच आया तो सामाजिक रूप से जुड़ रहना, इनकी बातों में मत आना। साहब ने कहा राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक क्रांति रुकनी चाहिए। सामाजिक क्रांति का बैनर था, मुझे याद है, दो ब्रांड को अपने इतिहास रचा कुर्बानी दी, लेकिन भारत ने बता दिया कि हम भारत को बंद भी कर सकते हैं और जो भारत बंद कर सकते हैं भारत को चला भी सकते हैं। सामने एक नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, अब आवाम आवाज देंगे कि क्या नहीं होगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी अपनी भागीदारी। और इसी वजह से बहुजन मूवमेंट कमजोर हुई है हमारी, क्योंकि जिसकी भागीदारी व्यक्ति थी उसको तो दिया नहीं, जिसकी भागीदारी व्यक्ति उसको तो दिया नहीं, और जिसकी भागीदारी नहीं थी जो पहले से मजबूत थे उन्हें हमारे सर पर बिठा दिया। आप मुझे बताओ क्या इस देश में ग्रामीणों का उत्पीड़न हो रहा है, क्या इस देश में ग्रामीणों का शोषण हो रहा है? फिर किस अक्सर लोग कहते हैं कि ग्रामीणों का देश में शोषण हो रहा है, जिन्होंने आज तक शोषण किया 5,000 साल तक उनका भी शोषण हो सकता है क्या? हम मानवतावादी लोग हैं, बुद्ध के लोग हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, चतुर्दशा साहब भगवान वाल्मीकि की बात करते हैं, प्रेम भाईचारा बंधुत्व की बात करते हैं, हम किसी का उत्पीड़न करने नहीं आए। यहाँ तो आपकी आवाज उठाना भी नक्सली आतंकवादी बोली जाता है, तो अगर तुम हमें नक्सली कहो, तुम हमें आतंकवादी कहो, हमें मंजूर है, लेकिन हक के बाद तो उठाएंगे, मरना पसंद करेंगे लेकिन छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। बहुत ईमानदार से बात सुन लो, हमारे सबके लिए एक झूठा मुकदमा तो किया उन्होंने गाजियाबाद में अभी 3 दिन पहले मैंने रोकने के लिए, और एक झूठा मुकदमा में 10-12 दिन तक कर रहे हैं। अब अगर इनके सामने कोई डॉक्टर दिखा दे कि बात करेगी मनी माफिया और मीडिया ऐसे से खरीद नहीं पाए के भाई को, क्योंकि वो नोट नहीं बना माफिया को डर लगा नहीं पाए, क्योंकि इतने मजबूत लोग से आ जाते हैं कि इनके उपाय करके आपके भाई को मरवा दे। और अगर मर भी जाते हैं ना, अगर मर भी जाते हैं तो फिर रुकने पड़ते हैं ना, 1,000 सेकंड में मिल जाना होगा तो फिर रुकने पड़ते हैं। जो इनके कब्जे में है, अगर मीडिया इनकी बात नहीं दिखाती, इनका सच नजर करती है, तो तुरंत उनके उनके जो ऑफिसर पे छापे मारने लग जाते हैं, उनपे ईडी और इंस्पेक्टर बिठा देते हैं, उनपे सीबीआई की जांच बिठा देते हैं, तो वो भी कर रहे हैं, वो भी एक ऑफिस इमरजेंसी का शिकार है।
हम चिंता करेंगे और किसी नहीं होगा, वादा करते हैं हम लोगों को। अब ये रोड चलित खनन करने का काम करते हैं वो, रोड चलित खनन काम करते हैं, रोड आरोप लगाते हैं। हम मुझे पूरा भरोसा कि मेरे खिलाफ चले जाएंगे, झुका मुकदमा कराएंगे। आप बताएं नहीं, मैं समाज के लिए बहुत समाज के लिए अपने हजार बार से कर दूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं, मैं झुका करूंगा। आपका चुनाव ने मुझे सिखाया कि संघर्षों से लाल पैदा होते हैं, समझौतों से दलाल पैदा होते हैं। तो गर्दन कटवा सकते हैं, गर्दन झुकने नहीं देंगे, वादा करते हैं। साढ़े चार साल ये सैनिकों का हित नहीं कर पाए, माइनॉरिटी का हित नहीं कर पाए, बहुजन का हित नहीं कर पाए, ये ओबीसी वर्ग का हित नहीं कर पाए। तो हमको साढ़े चार साल में कुछ नहीं मिला। ये काले धंधाने की बात करते थे, यहाँ का काले, यहाँ का जो हमारा आम गरीब आम आम जगह कर रहा था, वो भी मैंने अपने भाइयों से बाहर निकाल कर कभी नीरव मोदी भाग जाता है, कभी नरेंद्र मोदी भाग जाता है, कभी विजय भाजय भाग जाता है। वो हमारे लोग नहीं है, वो तो भजन नहीं है, वो तो निकट हो गए। ये देश के पैसे तो यहाँ बाहर भेजे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल तैयार हो जाओ।
हित में है, संविधान के हित में, लेकिन अपने लोगों के सम्मान और स्वाभिमान और स्वतंत्रता और अधिकारों से छेड़छाड़ करने के सोचकर 50 दिया गया है। तो मैं जो बात कर रहा था, लोकतंत्र में नेता भी तुम्हारा गुलाम, लोकतंत्र में ये जो प्रशासनिक अधिकारी है ये भी तुम्हारे नौकर है, मालिक नहीं है, ये भी तुम्हें याद रहना चाहिए, इनको ज्यादा सर का चाहने की जरूरत नहीं है। साहब का जिला ने बताया कि लोग और जो भी लोग